ऑफिस। हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। स्वस्थ से याद आया, आप लोग भी अपनी सेहत का ख्याल रखते होंगे। दोस्तों, जान है तो जहान है, ये बात तो आपने सुनी होगी। और अपने जीने का सही उद्देश्य अपनी सेहत का ध्यान रखना ही है, क्योंकि आजकल हर कोई अपनी सेहत को लेकर कॉन्शियस है। एक्सरसाइज या वर्कआउट करके आप लोग भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखते होंगे। आप में से कुछ लोग जिम भी जाते होंगे, और आजकल के बिजी स्केड्यूल से लोग समय निकाल कर जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जिम का बिजनेस आप कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, जिम के बिजनेस में सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें आपको बस एक बार निवेश करना होता है और सालों साल आप आराम से पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, भारत में युवाओं की कुल आबादी का एक बड़ा वर्ग नौजवान है, यानी कि 30 साल से कम वालों की जनसंख्या यहाँ ज्यादा है। आजकल फूड प्रोडक्ट्स में मिलावट के कारण लोगों को अच्छा खान पान भी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से गंभीर बीमारी होने का खतरा भी बढ़ता रहता है। यही कारण है कि लोग पहले की तुलना में अपनी हेल्थ को लेकर अब ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं और जिम जाने लगे हैं। भारत में जिम और फिटनेस बिजनेस की एक बूमिंग सेगमेंट है, जिसकी डिमांड बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, अगर आप फिटनेस डोमेन में अपने कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको इससे जुड़े लाइसेंस और चेकलिस्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे चेकलिस्ट फॉर स्टार्टिंग अ जिम बिजनेस इन इंडिया। इसमें सबसे पहले आता है लुक आउट फॉर द बेस्ट लोकेलिटी। दोस्तों, एक जिम की सक्सेस काफी हद तक उसकी लोकेशन पर डिपेंड करती है। अगर आप अपने जिम के लिए कमर्शियल लोकेशन चूज करते हैं, तो आपके अच्छे रेवेन्यू जनरेट करने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। निवेश की लागत, आप किस लेवल पर बिजनेस शुरू कर रहे हैं, इस पर आपका निवेश डिपेंड करता है। अगर आप 2500 से 3000 स्क्वायर फीट के एरिया में बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो इसमें 70 लाख से 80 लाख तक का खर्च आएगा। दोस्तों, अब आता है चूज द करेक्ट लोकेशन फॉर जिम बिजनेस। जिम की जगह तय करने के लिए आपको ऐसी जगह देखनी होगी जहां पर सुबह शाम बहुत भीड़ रहती है। इसके लिए आप बड़े ग्राउंड या आसपास की लोकेशन देख सकते हैं, या फिर आप किसी भी बाजार के आसपास की जगह देख सकते हैं। आप जिस जगह पर इस बिजनेस को खोलने की सोच रहे हैं, क्या वहां जिम की जरूरत है? इस तरह के सवालों को ध्यान में रखकर आप सही जगह का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखें कि किस तरह की ऑडियंस आपका पहला टारगेट होगी। अब आता है अरेंज रिक्वायर्ड फंडिंग। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए, रन करने के लिए आपको फंड की जरूरत होगी। करंट मार्केट सिनेरियो के अनुसार पॉश रीजन में जिम शुरू करने के लिए 40 से 50 लाख रुपए की लागत जरूर लगती है। दोस्तों, अगर आप रूरल एरिया में अपना जिम बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको 20 से 25 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। अब आता है गेट रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स मशीन्स। मशीन्स और इक्विपमेंट्स आपको अपने जिम के लिए क्या क्या चाहिए होंगी, वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप जिम खोलने की सोच रहे हैं, तो आपके पास भी जिम से जुड़ी सारी जानकारियां होनी चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपने कस्टमर को कितनी अच्छी सर्विस देनी है। इक्विपमेंट्स की अगर बात करें, तो इसमें आपको चाहिए होगा ट्रेडमिल्स, केबल पुले, स्मिथ मशीन, बाइसेप कर्लिंग मशीन, बेंच प्रेस, स्टेयर मास्टर वेट बेंचेस, एब्स क्रंचिंग मशीन। ये सारी मशीन्स आपको अपने जिम खोलने में जरूरत होगी। जो भी सारी मशीन्स आप मंगवाएंगे, उनमें से कुछ मशीन्स मैंने आपको बता दी है। आप जिम के बिजनेस में महीने के हिसाब से रुपए कमाते हैं। अगर आप महीने में 100 लोगों को भी अपने जिम में ज्वाइन करवाते हैं, तो आप 70,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक भी महीना कमा सकते हैं। दोस्तों, अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। इसमें आता है हायर सर्टिफाइड ट्रेनर्स। देखिए दोस्तों, आपने जिम तो खोल लिया, लेकिन अगर आप खुद एक जिम ट्रेनर नहीं है, तो आप दूसरों को ट्रेन नहीं कर सकते। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आप ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस ट्रेनर को हायर करेंगे। एक वेल सर्टिफाइड ट्रेनर आपके जिम की ब्रांड वैल्यू को अलग लेवल पर लेकर जा सकता है। मैं आपको 4 ऐसे इंस्टीट्यूट बता रही हूँ, जहां से आपको अपने बिजनेस के लिए एक्सपर्ट ट्रेनर्स मिल सकते हैं। इसमें आता है BFY स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, गोल्ड्स जिम फिटनेस इंस्टीट्यूट, सर्टिफाइड बॉडी बिल्डिंग एंड जिम, पर्सनल ट्रेनर इंडियन अकेडमी ऑफ फिटनेस ट्रेनिंग। IAFT सर्टिफाइड ट्रेनिंग को या ट्रेनर्स को 15,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए तक पे करना पड़ता है। ये अमाउंट उनके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। दोस्तों, अब बारी आती है लाइसेंस की। जी हाँ, आप कोई भी बिजनेस करते हो, लेकिन आपको उसके लिए हर तरह के लाइसेंस की जरूरत होगी।
और ये लाइसेंस की जानकारी आप हमारी टीम यानी कि कॉर्बिस टीम से ले सकते हैं। यहाँ पर आपको बिजनेस से लाइसेंस से जुड़ी हर जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, अगर आप स्क्रैच लेवल से जिम बिजनेस शुरू करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आप सही ब्रांड के साथ जुड़ते हैं तो आपके बिहाफ पे फॉर्मेलिटीज कोई और देखेगा और आपकी बहुत सारी चिंताएं भी समाप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप भी जिम बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो आप कॉर्बिस टीम के साथ जुड़ सकते हैं। कॉर्बिस टीम स्क्रैच लेवल से आपको बिजनेस शुरू करने में मदद करेगी। नमस्ते।